दोस्तों मैं हूं आपका अपने संदीप और आप देख रहे हैं देसी मार्टिनी डेली पंच। सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2021 के रोज दुनिया को अलविदा कह गए, जहां बहुतों को अभी भी यह खबर यकीन कर पाना मुनासिब नहीं लग रहा, वहीं कईयों ने सोशल मीडिया पर बॉलीवुड में फैला नेपोटिज्म यानी कि तरफदारी पे बेशुमार ताने कसे। इन्हीं सबके बीच आज सुशांत सिंह राजपूत की अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दिया गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, सिद्धांत चतुर्वेदी और शालिनी स्टारर बंटी और बबली 2 की शूटिंग अब जल्द ही अगस्त में रिज्यूम हो सकती है। हालांकि फिल्म का मेजर चंक नेशन वाइड लॉकडाउन से पहले ही शूट कर दिया गया था, पर एक स्पेशल सॉन्ग सीक्वेंस जो कि सारे लीड्स के साथ आउटडोर शूट किया जाना था, अफसोस कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते नहीं हो पाया। इसलिए डायरेक्टर वरुण डी शर्मा और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने डिसाइड किया है कि अब वो ये सॉन्ग इंडोर्स यानी कि यशराज फिल्म स्टूडियोज में ही शूट कर लेंगे। बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट आबरा का डाबरा पारस छाबड़ा का टैटू ऑलमोस्ट उतना ही फेमस है जितने वो खुद हैं। पारस एंड हिज एक्स गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी गॉट ईच अदर्स नेम टैटूड ऑन देयर रिस्ट लास्ट ईयर, बट थिंग्स चेंज्ड व्हेन पारस एंटर्ड द बिग बॉस 13 हाउस। सीजन के खत्म होते होते दोनों का ब्रेकअप हो गया और बहुत जल्द आकांक्षा ने अपने हाथ पे पारस के नाम को एक नए टैटू से रिप्लेस कर लिया। वेल, पारस इज ऑल्सो फाइनली रिप्लेस आकांक्षा नेम विद न्यू टैटू, क्योंकि बिग बॉस 13 ने उनकी आंखें खोल दी थी, इसीलिए आकांक्षा के टैटू की जगह उन्होंने बिग बॉस की आंख बनवा ली है। पारस शेयर्ड दैट ही वांटेड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम हिज प्रीवियस रिलेशनशिप एंड ऑल मेमोरीज अटैच्ड टू इट। हाल ही में करण सिंह ग्रोवर ने ऐलान किया कि वो मिस्टर बजाज बनकर कसौटी जिंदगी में नहीं लौटेंगे और शो की शूटिंग भी अगले ही हफ्ते शुरू होने वाली है। ऐसे में मिस्टर बजाज की तलाश तेजी से शुरू हो गई और पहला नाम सामने आया गौरव चोपड़ा का। बुधवार को यह नाम सामने आया कि गौरव चोपड़ा करण सिंह ग्रोवर को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन जरा ठहरिए, अभी थोड़ा ट्विस्ट बाकी है। अब बताया जा रहा है कि गौरव चोपड़ा नहीं बल्कि करण सिंह ग्रोवर को शरद केलकर रिप्लेस करेंगे। हाँ भाई, वही शरद केलकर जिनको आपने साल की शुरुआत में फिल्म तानाजी में शिवाजी के रूप में देखा था और आखिरी बार वो वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स में नजर आए थे। जब से एकता कपूर ने ये अनाउंस किया कि वो नागिन 5 बनाने वाली है, तब से इस शो को लेके स्पेकुलेशंस का कोई एंड नहीं है। इससे पहले बहुत सारे स्टार्स जैसे पारस छाबड़ा, हीना खान, सुरभि चांदना का नाम इस शो से जुड़ चुका है और कहा जा रहा है कि ये स्टार्स इस शो में लीड रोल में नजर आ सकते हैं। लेकिन अब सोर्सेस का कहना है कि इस शो के मेन लीड में वरुण सूद को देखा जा सकता है। इन फैक्ट सोर्सेस ने ये भी मेंशन किया है कि वरुण सूद फाइनलाइज हो चुके हैं मेन लीड के लिए। वरुण सूद या एकता कपूर से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है। वेल, कहा तो ये भी जा रहा था कि जून 26 से इस शो की शूट शुरू हो जाएगी, तो चलिए जून 26 तक का ही इंतजार कर लेते हैं। ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़े और खबरों के लिए देखते रहिए देसी मार्टिनी को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।